जो कैंडिडेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल था 28 नवंबर रखा गया था, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम था कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर थे लीक हो गए थे। तो इस वजह से आपका एग्ज़ाम तो कैंसिल हो ही गया था, साथ में आपका कोई भी डेट वहाँ पर मेंशन नहीं की गई थी। इस डेट को आपका जो एग्ज़ाम है फिर से लिया जाएगा, उसमें केवल यही बताया गया था आपका जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में लिया जाएगा। और अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस में आपका एडमिट कार्ड से लेकर आपका रिजल्ट डेट तक सब कुछ बताया गया। उस नोटिस में पढ़ेंगे आपका जो एडमिट कार्ड है कब आएगा, आपका जो पेपर है कब लिया जाएगा, आपकी उत्तर पुस्तिका कब आ जाएगी, सब कुछ वहां पर मेंशन किया गया है। आइए चलते हैं उस नोटिस पर। तो हम उस नोटिस पर आ चुके हैं जो यूपी सरकार द्वारा अभी से कुछ देर पहले जारी किया गया है, उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। आप यहाँ से इसको आराम से रीड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, सो आप वहाँ से डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और साथ में इस नोटिस को रीड कर सकते हो। तो इसमें सब कुछ मेंशन किया गया, आपका जो एग्ज़ाम है कब लिया जाएगा, उत्तर पुस्तिका आपकी कब पब्लिश की जाएगी। तो जो पैरा नंबर 4 दिया गया, पैरा नंबर आप यहाँ से 4 में देख सकते हैं। प्रवेश पत्र आपका जो वेबसाइट पर है, लोड करने की जो तिथि दी गई है, और वहाँ आपका 12/1 अर्थात 12 तारीख को आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, अर्थात आपका जो एडमिट कार्ड है 12 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। वहीं आप यहां से पैरा नंबर 7 को रीड करें और आपका जो एग्ज़ाम डेट है उसमें ही बताई गई है पैरा नंबर 7 में, और आपका जो एग्ज़ाम है 23 जनवरी को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। दो पाली में आपका एग्ज़ाम होगा, दो शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट आपकी 10 बजे से लेकर आपकी 12:30 बजे तक होगी। वहीं सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो आपकी जो सेकेंड शिफ्ट है दोपहर के आपके 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपकी सेकंड शिफ्ट ली जाएगी। इसका जो एग्ज़ाम होता है 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आपको पता होगा। और वहीं पैरा नंबर आप यहां से 9V रीड कर सकते हैं, लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि 27/1 अर्थात 27 तारीख को आपकी जो उत्तरमाला जारी कर दी जाएगी, अर्थात आंसर सीट आ जाएगी 27 जनवरी को। वहीं बात करें